शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चौथा फेरा शुरू करते हैं। क्यों? कुछ नहीं, ये सब क्या हो रहा है? नहीं हो सकता, तुम तो मर चुके हो ना।
ये नहीं हो सकता। जिंदा हो? अब तक कहाँ थे तुम राज? उस दिन जब मुझे गोली लगी थी, मुझे लगा जैसे आज मैं नहीं बचूंगा, मर ही जाऊंगा। लेकिन माता रानी ने शायद मुझे एक नई जिंदगी दी है। मगर तुम अब तक सामने क्यों नहीं आए? किसी को बताया भी नहीं तुमने? मेरी हालत बहुत बुरी थी श्रद्धा। जब मैं अच्छे से ठीक हुआ, चलने लगा, तब मुझे पता चला कि रागिनी ने अपना इल्जाम हमारी ऑफिस की सेक्रेटरी पर लगाकर उसे फंसा दिया है, और यहाँ तक कि तुम्हारे घर पर भी कब्जा कर लिया है। मैं जानता हूँ कि रागिनी का पागलपन बहुत बढ़ गया है, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता था। फेरे रोक के आप लोग इस तरह अपमान? अरे पंडित जी, अब आप देख सकते हैं कि ये शादी नहीं होगी, तो कृपया करके आप यहाँ से जाइए। हाँ, दिया धोखा मैंने तुम्हें, आप बोले हजारों झूठ, पर तुमने तो मुझे गोली मार दी रागिनी। गलती हो गई तो जान ले लोगी क्या अपनी जान की? बोलो। लेकिन आज मैं तुम्हारी जान लेकर आऊंगा। पीछे हटो, सोचना भी मत मेरी रागिनी दी के पास आने की भी। था तुम्हारा प्लान अभय के लिए, शादी के लिए मान जाना, ये सब झूठ? तुम्हें क्या लगा श्रद्धा, इस तरह राज को वापस ले आकर तुम जीत गई? तुम कभी नहीं जीतोगी, क्योंकि अभय सिर्फ मेरा है, सिर्फ मुझसे प्यार करता है, समझी तुम? वो राज की तरह नहीं है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, हमेशा अपने प्यार का साथ देगा, है ना? बिल्कुल रागिनी, मैं हमेशा अपने प्यार का साथ दूंगा। और श्रद्धा ही मेरा प्यार है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अभय ने जो खुद दूसरों को धोखा देने से एक बार भी नहीं झिझकती, वो हम पर धोखे का इल्जाम लगा रही। धोखे से तुमने हमारा घर छीना, खुद अपने पति पर गोली चलाई, और धोखे से सारा इल्जाम हम पर डाल दिया। धोखे से तुमने हमारी आरती तक को फंसाया, और धोखे की बात तुम कर रही हो? हम तो यहाँ तुम्हें सिर्फ आईना दिखा रहे हैं रागिनी, और तुम मौत के मुंह से बच के तो आ गए, लेकिन धोखा देने की आदत गई नहीं ना तुम्हारी। तुम मुझे धोखेबाज बुला रहे हो, जबकि वो तुम थे जिसने इस औरत के साथ चक्कर। चुप। अब एक शब्द और नहीं, हमारे साथ होगी चाहे कुछ भी हो जाए,
वरुण जी, हमारी गलती की वजह से आज ये सब। मैं मानता हूं अपनी गलतियां, और तुम अपने पाप कब मानोगी रागिनी? और तुम्हें क्या लगता है इस बार तुम जेल जाने से बच जाओगी? रागिनी सिंघानिया नाम है मेरा, तुम में से कोई भी ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं होगा मुझे। निकल जाओ मेरे घर से तुम सब, अभी के अभी निकल जाओ। तुम्हारा घर नहीं रागिनी, तुमने खुद पेपर पे साइन किए। अब तुम निकल जाओ हमारे घर से। तुम सबको लगता है कि तुम लोग मुझे हरा दोगे ना, लेकिन मैं कभी नहीं हारती, कभी नहीं। पूरा का पूरा घर जलेगा और तुम सब इसके साथ जल जाओगे। अरे कोई इसे रोकिए, ये पागल हो गई है, ये हम सबको मार देगी हम सबको। ये क्या तमाशा है रागिनी, अभी की अभी अपना ये नाटक बंद करो। तमाशा तो तुमने बनाया है मेरा श्रद्धा, मेरे ही शादी के मंडप में। जिस तरह ये मंडप जल रहा है उसी तरह तुमने मेरे सपनों को जलाया श्रद्धा। अब इसी मंडप में तुम भी जल के राख हो जाओगी। रागिनी, श्रद्धा को अगर कुछ भी हुआ तो आगे मत बढ़ना आपने, वरना मैं श्रद्धा को जला के राख कर दूंगी। तुमने मेरे साथ ऐसा, सच्चा प्यार किया था मैंने तुमसे, अब क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये त्रिपाठी परिवार इतना गिर सकता।
हुई थी कि इस हालत की सजा तुम सबको मिलेगी। चलो दी, श्रद्धा तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ बुआ जी, हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए और रागिनी को संभालने के लिए थोड़ा वक्त दे देना चाहिए। क्या हुआ आरती, तुम नहीं आ रही? सोच रही हूँ, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने ही हुआ, अच्छे से सोच लो, चुन लो किसके पास जाना तुम्हें। देखा रागिनी, तुम्हारे लिए मैं जान की बाजी भी लगाने को तैयार हूं, इतना प्यार करता हूं तुमसे मैं। इतना बड़ा नाटक किया तुमने मेरे साथ अभय, और मुझे समझ भी नहीं आया, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। दे अब प्लीज शांत हो जाओ, मैं हूं ना आपके साथ। चले जाओ यहां से कुणाल, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, चले जाओ यहां से। हमारी बहू श्रद्धा हमेशा सब कुछ संभाल लेती, भाभी हम तो पहले से जानते थे कि हमारी श्रद्धा जरूर कुछ बड़ा करने वाली, लेकिन इतना बड़ा बम फड़ेगी ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। आपने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई? अरे पापा, इससे तो मुझसे भी सब कुछ छुपाया। मैं आपको बताने ही वाली थी अभय, मगर उस दिन फिर हुआ क्या शोधन? मैं ये बात जानती थी कि कुणाल की नजर हम पर हर पल रहेगी, अगर रागिनी को ये बात पता चल जाती कि राज जिंदा है तो पता नहीं वो राज के साथ क्या करती। अब यहां से हम सबको बहुत संभल के रहना होगा, रागिनी अपनी सजा से बच नहीं सकती है, और इस पे राज की गवाही सबसे ज्यादा जरूरी है। माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आप लोगों को इतना भुगतना पड़ा, शायद भगवान ने मेरी जान बचाकर मुझे अपनी गलती सुधारने का दूसरा मौका दिया है, और मैं वादा करता हूँ श्रद्धा इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब रागिनी की पापों की सजा उसे मिलकर रहेगी। सजा तो मिलेगी श्रद्धा और अभय को इस धोखे की, छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें, पूरा का पूरा त्रिपाठी परिवार इस आग में जलेगा। और जिन दोनों की वजह से ये सब हुआ, कीर्ति और वरुण, इन दोनों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। कीर्ति कहां जा रही हो, क्या हुआ? कुछ हमारी वजह से तो हुआ है वरुण जी, हमने आपको इतना चोट पहुंचाया कि आज आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे, हम बहुत बुरे, बहुत बुरे। नहीं कीर्ति बिल्कुल नहीं, अरे गलती तो मुझसे भी हुई थी ना, जब मैंने उस अवनी के साथ, तुमने मुझे माफ कर दिया, फिर से अपनाया मुझे, जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा हादसा समझ के भुला देते हैं। बहुत प्यार करते वरुण, वो अमर क्या रहा हमारी जिंदगी में, मैं जानता हूँ कि
मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और वादा करता हूँ अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। चलो अब अपने घर चलते हैं। जो कुछ भी हुआ उस गलती की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। शादी जैसे पवित्र रिश्ते की अहमियत ही नहीं समझ पाया मैं कभी, और शायद उसी की सजा भी मिली जब मेरी अपनी ही बीवी ने मुझ पर गोली चला दी। हो सके तो माफ कर देना मुझे। देख राज, मैं तो सब कुछ भुला के अपनी पत्नी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका हूं, पर भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया है अपनी गलतियों को सुधारने का, इस मौके को खोना मत। हाँ वरुण, अब रागिनी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और ये मेरा वादा है तुम लोगों से। कल से नवरात्रि शुरू है तो घर की शुद्धिकरण तो करनी ही होगी और उसकी शुरुआत हम रागिनी को घर से निकाल के करेंगे हमेशा के लिए। रुक जाइए, जब तक इस घर से बुराई पूरी तरह से बाहर नहीं चली जाती हम माता रानी के ऊपर से ये पर्दा नहीं हटाएंगे। बिल्कुल सही कहा तूने कीर्ति, इस घर से बुराई को हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकालने के लिए मैंने इंतजाम पहले ही कर लिया था। रागिनी सिंघानिया कौन है यहाँ? चलिए मैडम, अरेस्ट वारंट निकला है आपके खिलाफ। माता रानी, अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर हमेशा बनाए रखिएगा, रागिनी जैसी बुरी नजर से हमेशा बचा के रखिएगा। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।